स्वागत है। अब चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और क्या हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए आज हुआ क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी जो हमारी क्लोजिंग है वो हमारी क्लोजिंग कहाँ पे 52,370 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको समझना है कि अभी तक जो हमारा एक जगह हर्डल था, जो हमारा देखिए इस जगह एक रेजिस्टेंस था 52,200, इसके ऊपर हम क्या हो चुके हैं, इसके ऊपर हम क्लोजिंग दे चुके हैं, ठीक है। पहली बात हमको ये समझ में आ रही है। दूसरा ये समझ में आया कि अभी तक जो हमारा एक ऊपर की साइड प्राइस था, जो एक रेजिस्टेंस का प्राइस था जिसको हम कहते थे 52,400, आज के दिन मार्केट ने इसको क्या किया, टेस्ट किया, यानी इसको टच किया, ठीक है। टच ऑन जोन आज के दिन हमको देखने वाला और फिर उसके आसपास हम इस जगह क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या समझते हैं कि अब जो हमारे नीचे की साइड देखिए जो मूविंग एवरेज है, आपने इस पर ध्यान दिया होगा, एक ये मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, ये हमारा देखिए यहाँ पे 100 का है, फिर आपका देखिए यहाँ पे आपका 20 का दिखाई दे रहा है, 50 का दिखाई दे रहा है और जो नीचे वाला है ये आपका 200 का है। कल की वीडियो में, उससे पहले भी मैंने वीडियो में बोला था कि ये तो आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और उसके पहले भी एक बताया था कि हमारा इस जगह 50,800 वाला जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, उस जगह हम खरीदारी करके चल सकते हैं, यानी एक सपोर्ट पर हम बाइंग का डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद बाज़ार अच्छा चला। आप देखिए यहाँ पर हम 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट में हमको क्या दिखाई दिया, आज के दिन आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी जितना चला उतना बैंक निफ्टी नहीं चला, लेकिन बैंक निफ्टी में आज के दिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपका जो कल का लो था उस लो को देखिए यहाँ पे जो आपको लास्ट में देखिए यहाँ पे जो लो देखने वाला था लास्ट क्लोजिंग में वो हमारा आसपास क्या था 52,100, ठीक है। आज के दिन क्या हुआ, बाज़ार आपका गैप के साथ ओपन हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेलिंग आया उसके बाद, अब जो सेलिंग आया यहाँ पे अगर आप देखो जितना इसने गैप को लिया था उस गैप को फिल करने के बाद एक अच्छा मूव आया, ठीक है। फिर आपका सेलिंग आया, ये आपका 50 मूविंग एवरेज का देखिए यहाँ पे क्या था, एक आपका सपोर्ट था, इस सपोर्ट को लिया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दिया। अब हम कल क्या कर सकते हैं, तो कल देखिए आपको 52,420 के अगर ऊपर ये आपका सस्टेन करना चालू कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन करना चालू कर देता है, इस प्राइस को आपको देखना है, ठीक है, इस प्राइस को आपको देखना है और कोशिश करना है कि मॉर्निंग में अगर ये आपका इसके ऊपर निकल जाए, गैप के ऊपर निकल जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कुछ कैंडल बनने दीजिए। कैंडल मतलब कैसा, आपका 5 मिनट के कुछ कैंडल बनने दीजिए, जो कि 4-5 कैंडल अगर बनता है और कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, फिर ऊपर की साइड निकलता है तो हम इसमें क्या एक बाइंग जोन देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक ब्रेकआउट में एक बाइंग जोन देख सकते हैं और इसके ऊपर बाजार निकाल देगा जो कि आपका 52,420, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही निकलता है हम एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी लोग यहाँ पे सेल करके गए थे, पहले साइकोलॉजी को समझो, हम लोग क्या करते हैं साइकोलॉजी को नहीं समझते, फिर उसके बाद मार्केट में एंटर करते हैं और लॉस खा जाते हैं। सेलर का लॉस कराया, बायर को मौका मिला, क्योंकि पहले से यहाँ पे क्या थे बायर प्रॉफिटेबल थे, यहाँ पे क्या थे बायर प्रॉफिटेबल थे, जो प्रॉफिटेबल है और जिसको बहुत जल्दी प्रॉफिट मिला वो उतनी आसानी से नहीं निकलता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने किसी भी ऑप्शन को बाइंग किया, ठीक है, ऑप्शन को आपने बाइंग किया 10 रुपये पे, ठीक है, और 10 रुपये से वो आपका चला गया इस जगह बहुत तेज़ी से 100 रुपये पे, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे कि भाई मेरा 10 रुपये का बाइंग है, मैं 100 रुपये पे आ चुका हूँ, अब मेरा लॉस कितना कर सकता है मार्केट, 90 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, यानी मैं अब इसमें कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट 100 से सीधे आपका 10 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने 10 पे लिया, 100 आ गया,
अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है या जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, ये प्रॉफिटेबल है। और बहुत तेज़ी से जब आपका ऑप्शन ऊपर की साइड जाता है ना, या आपकी कैंडल बहुत अच्छी तेज़ी के साइड ऊपर की साइड जाती है, तो उसमें प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमको 300 से लेके 500 पॉइंटों का एक मूव देखने को मिलेगा, जिसमें हम रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं 52,550, फिर 52,666, फिर आपका 52,077 और फिर आपका 52,999। ठीक है, ये हम इस जगह अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। अब देखिए, मार्केट एक तरीके से तो नहीं चलता कभी भी, और यहाँ पे पैटर्न अगर आप देखो ना, बड़ा ब्यूटीफुल पैटर्न है, सस्टेन कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पैटर्न रिवर्सल में कब इस जगह हमको देखने को मिल सकता है, तो देखिए पहले सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, यानी एक डब्लू पैटर्न देखिए यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक डब्लू पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि बाजार ऊपर गया, अच्छा खासा गया, और अपने रेजिस्टेंस के पास क्या कर रहा है, समय बिता रहा है, अपने रेजिस्टेंस के पास समय बिता रहा है। अब इसका एक हमारे पास क्या था, नीचे की साइड हमारे पास जे वाला, इसमें एक सपोर्ट था जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था। मैंने आपको रूल बता के रखा है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट होता है, और जो सपोर्ट होता है वो आने वाला रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर हम नीचे काम कर रहे हैं इस जगह, तो ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, जैसे ही हम इसके ऊपर आ गए तो ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 52,200। जब तक हम इसके ऊपर हैं, अच्छे मजबूत हैं, अच्छा सब कुछ है, लेकिन अगर बाजार इसके नीचे ट्रेड होना चालू करता है, इसके नीचे अगर हम निकलते हैं, तो फिर एक फास्ट सेलिंग हमको देखने को मिली। फास्ट फास्ट का मैंने शब्द का क्यों उपयोग किया, फास्ट इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि जितने लोग देखें यहाँ पे बाइंग किए हैं, जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है, उनके एसएल कहीं ना कहीं कट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और जब एसएल हिट होते हैं तो उसमें सेलिंग फास्ट आती है। उसमें होता क्या है कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है उनका भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और जिन लोगों को यहाँ पे सेलिंग करना है वो भी सेलिंग करते हैं। यानी दो लोग हैं, एक वो हैं, एक ए इंसान है, ठीक है, इसका नाम ए है, इसने यहाँ पे किसी को एक रुपये में लेके रखा है, ठीक है, एक रुपये में, एक का हो गया वो 10। ठीक है, अब ये एक बी इंसान है, ठीक है, ये बी है, ये यहाँ पे सोच रहा था कि इसने ए ने तो एक में खरीद लिया और ये यहाँ पे ले गए 10 में। ठीक है, अब इसके पास क्या ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये ऊपर की साइड है, तो इसने बनाया मैंने बाइंग तो किया नहीं, बाइंग तो कर लिया ए ने, अब जो बी है ये क्या करेगा, अब ये सेलिंग का सोचेगा। अब कहाँ पे सोचेगा भाई, एक रेजिस्टेंट के पास, जो कि रेजिस्टेंट पे ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे ये सोचेगा कि मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा। अगर ऐसे कोई पैटर्न बनते हैं, जैसे कि आपका देखिए डबल टॉप का पैटर्न बहुत इस्तेमाल होता है, डबल टॉप बन जाता है और उसको अगर नेक लाइन को ब्रेक कर देता है तो वहाँ पर सेलिंग आ जाती है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो बी वाला पर्सन है वो भी यहाँ पर क्या सोचेगा कि मुझे तो सेलिंग करना, और ए वाला क्या पर्सन है वो भी कहेगा कि भाई मैंने तो प्रॉफिट बना लिया था, मैं भी प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो यहाँ पर डबल सेलिंग आ जाती है, 1 और 2, इसको 1 और 2 कहते हैं। तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, नॉर्मली सी बात है, जो कि 400 से लेकर 600 पॉइंटों तक का एक डाउन साइड मूवमेंट कर सकती है। और कितना मूवमेंट करेगी इसको भी समझो, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, ये अपने सपोर्ट तक आ सकता है। या तो आप इसको ये बोल दो कि ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस था इसको टेस्ट करके इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन है, जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ, कई बार मार्केट इस तरीके से कर देता है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बाजार अभी भी बुलिश है, इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझो, अगर देखिए आपने चैनल को पहली बार देखा है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। यहाँ पे अगर आप देखो तो मल्टी टाइम देखो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मल्टी टाइम रेजिस्टेंस जो 1 आवर्स के चार्ट पे है, और यहाँ पे अगर जब ब्रेक करता है तो आप देखिए ये समझो कि 53,200, फिर आपका 53,600, ये आपको लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर ये इसके ऊपर का ब्रेकआउट कर देता जो इसका हाई का है, अच्छा मोमेंट हमको दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप देखो तो नीचे इसने पूरे
एक अच्छा खासा एसल खा के आया और उसके बाद तेजी देखने को मिली है। प्लस अमेरिका के जो चुनाव थे उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे पड़ा। आप यहाँ पे आप समझो कि रेजिस्टेंट जोन कहाँ कहाँ पे। तो पहला रेजिस्टेंट हमको देखने को मिलेगा इस जगह, जो कि आपका 52,900 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 53,600, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पे है, तो सपोर्ट हमारे लिए नीचे की साइड, जो कि हमारा 50 आपका 51,800, ठीक है, 800 के आसपास हमारा सपोर्ट है, ठीक है। दो रेजिस्टेंट एक सपोर्ट, और अगर मैन इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 52,200 को, तो फिर आपका नीचे की साइड जा सकता है, जो कि मैंने आपको बोला 400 से 500 पॉइंट आपका नीचे की साइड निकल सकता है। बाकी वीडियो कैसा लगा जी आप मुझे बिल्कुल बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।